नमस्कार दोस्तों, लता मंगेशकर को लेकर जो कि फेक न्यूज़ है जो सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल भी हो रही है। जी हां दोस्तों, कई लोग उनके निधन के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों ये खबर इतनी झूठी है जो कि अफवाह फैलाई जा रही है। बता दें कि आपको सही खबर क्या है, लता मंगेशकर की तबीयत है उनमें काफ़ी सुधार आया है। वह अभी भी आईसीयू में भर्ती है। कोरोना के बाद उन्हें अस्पताल जो कि हॉस्पिटल में ले जाया गया था, उन्हें कोरोना होने के बाद अस्पताल या हॉस्पिटल में ले जाया गया था। दिग्गज कलाकार जो कि गायक लता मंगेशकर की सेहत को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं। डॉक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक अब उनकी तबीयत में पहले से सुधार देखा गया है। बता दें कि उन्हें अभी डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा, अगले एक हफ्ते तक उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में जो कि आईसीयू में रखा जाएगा। आपको बता दें कि सुरों की लता मंगेशकर कोरोना संक्रमण के कारण पिछले कई दिनों से मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती है। कोरोना के साथ साथ उन्हें निमोनिया भी हुआ जिसके कारण उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। वहाँ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तबीयत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी। बाहर के वातावरण में उनके संक्रमण को और बढ़ा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर पर आप लोगों का क्या कहना है एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।